नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री अवस्था में आने वाले हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को किस प्रकार से लाभ देखने को मिल सकता है या फिर आपको किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान हैं, उनकी जो तीन दृष्टियाँ होती हैं कहाँ कहाँ जा रही हैं इसके बारे में बताएंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन कौन भाव के स्वामी होकर कहाँ विराजमान हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति कब से वक्री अवस्था में आएंगे और कब तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:01 पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातक, जैसा देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है जो कि आप ही की है, वो भी अक्टूबर 2024 की है। तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में विराजमान है, उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो 4th हाउस पर जा रही है और जो सातवीं दृष्टि है वो जा रही है 6th हाउस में, और नौवीं दृष्टि जा रही है 8th हाउस में, मकर राशि को देख रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस के और 10th हाउस के स्वामी होकर 12th हाउस में विराजमान हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से फलित करेंगे। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहते हैं तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं। तो जैसा कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में विराजमान हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके विदेश से जुड़े कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या फिर विदेश से जुड़े कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, विदेश से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। साथ ही बता दें कि यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं तो खर्चे में कमी भी देखने को मिल सकती है अक्टूबर 2024 में, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि होती है वो जा रही 4th हाउस में। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि 4th हाउस पर जा रही है, तो आपको लग्जरी चीज़ों का लाभ मिलेगा। मतलब गाड़ी, वाहन, घर इत्यादि का सुख की प्राप्ति होगी और पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में सदस्यों के बीच का जो तालमेल है बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही बता दें कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के जो सातवीं दृष्टि है वो जा रही 6th हाउस में, तो यहाँ पर आपकी नौकरी भी अच्छी रहेगी, नौकरी में लाभ देखने को मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं हैं। और आपके जो शत्रु हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बचा लेंगे। मतलब आपके शत्रु को पराजित करते हुए नजर आएंगे, आपके जो शत्रु हैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार से मुकदमा या फिर केस, कोर्ट कचहरी का मामला है तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, मतलब उस केस में आपको जीत मिलेगी। और साथ ही बता दें कि 6th हाउस होता है अपने स्वास्थ्य का, तो यहाँ पर आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, थोड़ा सा खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो जा रही 8th हाउस में, तो जो वकील हैं, मतलब कि सर्च रिसर्च से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप ज्योतिषी विद्या का ज्ञान लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आठवां घर होता है रहस्य का, तो रहस्य से जुड़े आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप कोई भी रहस्य से जुड़े कार्य करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, मतलब उल्टी चाल चलते हैं, तो आपको 11th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों को लाभ देख
मिलेगा, चाहे आप व्यापार कीजिए या फिर आप नौकरी कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है तो आपको अपने इनकम में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर लाभ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों को अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों का प्रेम प्यार भी अच्छा रहने वाला है अक्टूबर 2024 में। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।